तो आज मैंने जैसे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे। वैसे आप लोग जैसे देखिए कि कुछ नया मैं लेकर के आया हूँ, आप लोग जानते होंगे कि स्टेबिलिटी तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं फ्लोटिंग बॉडी के। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम्स के बारे में आप जानते हैं और आप ट्रिक मतलब याद करके कर रखा होगा आपने आसानी से कि अगर बॉयंसी ऊपर है ग्रेविटी से तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, बॉयंसी अगर नीचे होती है ग्रेविटी से तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और बॉयंसी और ग्रेविटी दोनों कॉन्साइड कर रहे हों तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। ये आप लोगों सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर बॉयंसी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी अगर ग्रेविटी पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, यानी यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब ये हमारी जो बॉडी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है यानी स्थायी कंडीशन में तो जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अगर दोनों कॉन्साइड कर जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बॉडी तो दिस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये चीज आप आसानी से जानते होंगे, नहीं जानते जानती, लेकिन मैं इससे हट करके आपको बताऊंगा कि ऐसा आखिर होता क्यों है, या आप इस चीज को रटे ही क्यों, समझ क्यों न लें, समझ करके दूसरे को समझाएंगे कैसे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बॉयंसी ऊपर या नीचे होने पर स्टेबिलिटी क्यों गड़बड़ाती है बॉडी की। तो देखिए उसके लिए आप लोगों को पहले मैं यहां पर एक डायग्राम और बीच में बना देता हूं। जैसे ये बना हुआ है एक डायग्राम और मैं यहां पर इन तीनों से हट करके, ये मानिए कि यही बॉडी है जो आपके ऊपर है, यही बॉडी एक बनी हुई है, ये बॉडी एकदम से अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, हमने डिस्प्लेस नहीं की है क्योंकि ये जो पोजीशन है ये डिस्प्लेस पोजीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ये इस बॉडी की जो है कंडीशन थी। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कहीं भी यहाँ ग्रेविटी पॉइंट है, नीचे इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या एक्ट करता है, निकलता है बॉडी का वेट। सेंटर ऑफ बॉयंसी से बॉडी का क्या निकलता है, बॉडी पर लगने वाला बॉयंट फोर्स। तो इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक चीज याद रखिए, इससे ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, कि अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स आर सेम, यानी दोनों एक ही लाइन है, बॉयंट फोर्स और ग्रेविटी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही लाइन ऑफ एक्शन से ऊपर के पास होंगी, यानी एक ही लाइन जो है अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, बॉयंट फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी, और ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करेंगी, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब इसको चेक करते हैं कि अगर ये अनस्टेबल स्टेबल या न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉडी को हमने पहले थोड़ा सा हमने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी फोर्स किस तरफ लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉयंट फोर्स किस तरफ लगता है, ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में। हम देखेंगे कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, क्यों बॉडी फ्लोट कर रही, तो क्या बनेगा, एक कपल क्रिएट कर देंगे, ये दोनों फोर्स कपल क्रिएट कर देंगे, इतनी डिस्टेंस पर हो गए क्योंकि दोनों दोनों के बीच में डिस्टेंस डी क्रिएट हो गई, और एक ये कपल क्रिएट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज कपल, इस तरीके से ये फोर्स ऐसे घुमाएगा बॉडी को, ये फोर्स नीचे तरफ घुमाएगा, यानी बॉडी को जिस तरीके से घूमना शुरू कर देगी, यानी क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन हमने डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेस करने से ऐसा हुआ कि एक कपल क्रिएट हो गया ड्यू टू दीज फोर्सेस, और वो कपल ऐसा क्रिएट हुआ कि जिस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस किया था उसी डायरेक्शन में बॉडी को और रोटेट करता जा रहा है, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस की उसी डायरेक्शन में और गिरती चली जाएगी, और इस तरीके की इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कपल का कंसेप्ट है, यहीं पर समझ लीजिए। अब अगर बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होता फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम जानते हैं ऑलवेज सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ लगता है,
सेंटर ऑफ बॉयंसी का बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज नीचे की तरफ लगता है। यानी अगर दोनों का कपल देखें तो दोनों, आप देखिए ये क्या बॉडी को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये बॉडी को ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये बॉडी को जब ये फोर्स है ये बॉडी को जाहिर सी बात है कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस हमने बॉडी को इधर टिल्ट की कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी को आपकी को ऊपर की डायरेक्शन ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बॉडी को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, बॉडी को हमने इधर टिल्ट किया, हुआ क्या कि दोनों मिल करके यानी जो कपल क्रिएट होगा, हमने बॉडी को टिल्ट इस डायरेक्शन किया लेकिन कपल की डायरेक्शन क्या क्रिएट हो गई, एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कपल की डायरेक्शन क्या हुई, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी बॉडी को ये दोनों मिल करके वापस ले आएंगे, हमने टिल्ट इधर कर दिया था, बॉडी को दोनों मिल करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएंगे, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम को कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर दोनों कॉन्साइड करते, दोनों कॉन्साइड कर रहे होते तो क्या दोनों के बीच में कपल क्रिएट होगा, जैसे यहां पर भी एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो फोर्सेस, कपल क्या होता है, दो फोर्सेस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, एक फोर्स यहां लग रहा है दूसरा फोर्स यहां लग रहा है, तो दोनों इस तरीके से कपल बनाएंगे, जैसे ये सिचुएशन है, इसके केस में क्या था, एक फोर्स यहां लग रहा था दूसरा फोर्स यहां लग रहा था, दोनों इस तरीके से कपल बना रहे थे, जैसे ये कंडीशन थी। लेकिन यहां पर क्या दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, घुमाते चलिए, जिस कंडीशन में घुमा करके टिल्ट करके छोड़ देंगे, कि कपल हर कंडीशन में कपल की जो वैल्यू, कपल की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो जीरो होगा, जो कपल की वजह से मोमेंट है टॉर्क जो क्रिएट होगा वो जीरो होगा, यानी कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, और बॉडी जिस कंडीशन में आप टिल्ट करके छोड़ देंगे उसी कंडीशन में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, यानी ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी फ्लोट करती रहेगी। एक बात याद रखें कि टिल्ट कर देने पर, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर देने पर, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी को टिल्ट कर देने पर उसी डायरेक्शन में घूमती चली आई, और कब तक घूमेगी बॉडी, बॉडी तब तक घूमेगी जब तक के सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर ना चला जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ना चला जाए, और फिर से वो अगेन कोई दूसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। तो ये है, इस तरीके से आप कपल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था। आप इसी तरीके के और भी क्लैरिफिकेशन अगर चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं नीचे, या हमें अपना जो है कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।